कि किसी अपरिचित घर में जाने पर हम क्या देखें कि ये घर कैसा है। उसने कहा उसमें घर में टंगे हुए चित्रों से उस घर का चरित्र पता चलता है। कुछ मत देखो, उस घर में टंगे हुए चित्र किसके हैं, उन चित्रों को देख करके पता चलता है इस घर का चरित्र क्या है, इस घर का संस्कार क्या है। कितनी बड़ी नीति दे दी आप। अब वो घरों का नहीं लेकर के मोबाइल से देखकर पता चलो, हर व्यक्ति के मोबाइल से देख के पता चलता है कि इसका चरित्र क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका क्या रूप है। तो अब अपन, जैसे तुमने खुद कह दिया कि गुरु का चित्र देखते ही हम कहते कब गुरु के दर्शन हो, और हीरोइन का देख के वो भी कहता है हीरोइन कब मिलेगी, कहता होगा वो तो पक्का है। चित्र लगाया इसके लिए जाता है कि उसकी स्मृति हमें सदा बनी रहे और वो हमारे लिए स्मृति सदा याद आती रहे, ये लगाई इसके लिए जाता है। इसलिए चित्रों को कम से कम, मैंने तो यही कहा था, बहुत बार कहा, कम से कम हर व्यक्ति अपने बच्चों के मोबाइल में और कुछ दे सके या ना दे सके, लेकिन टोन में नमोकार मंत्र और चित्र में भगवान और गुरु का चित्र दे दे। कम से कम और कुछ नहीं करेगा तो कम से कम जितने बार आएगा नमोकार मंत्र सुनाई पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रचार आप कर सकते हैं, मैं भी नमोकार मंत्र का इतना प्रचार नहीं कर सकता, जो भी तुम्हारा फोन उठाए नमोकार मंत्र उसको सुनाई पड़ना चाहिए। कम से कम वो एक नमो अरिहंताणम तो सुन लेगा। कितना बड़ा प्रचार कर सकते हैं यदि जैनी लोग ये ठान ले में कि मेरे मोबाइल के अंदर टोन नमोकार मंत्र की होगी, जो भी मेरे से बात करना चाहेगा उसको पहले नमोकार मंत्र ही सुनाई पड़ेगा, तो बस बड़ी बात हो जाएगी। बहुत बड़ा शगुन, बहुत बड़ा शुभ। क्योंकि मोबाइल यदि आपको यूज करना ही है, दूसरी बात चित्र यदि आप अपने बच्चे के, अपने किसी में कम से कम 150 बार खोलते हो, तो जितने बार खोलोगे गुरु की भगवान की तस्वीर आएगी, तो उस तस्वीर को देखते ही शगुन होता है। शगुन होते ही नियम से उसके अंदर परिणाम होता है, परिणाम आता है किसकी तस्वीर है। तो परिवार में सब लोगों के मोबाइल में भगवान और गुरु की तस्वीर हो, और इनसे यदि तुम्हारा मन नहीं लगता हो तो मैंने बहुत बार कहा अपनी माँ की तस्वीर रखो, माँ की तस्वीर रखो। यदि माँ की तस्वीर तुम्हें बुरी लगती हो तो फिर मैं आगे बोल दूँ, तुम्हारी बराबरी वाली की श्रीमती है, अपनी पत्नी की तस्वीर रख लो, और हीरोइन से तो तुम्हारी पत्नी की तस्वीर शुभ है तुम्हारे लिए। इससे नीचे नहीं, अपने बच्चों की भी रखते हो तो बच्चे का फोटो आता है तो एक तुम्हें प्यार आता है, उसके प्रति राग आता है, रेज निकलती है आपकी। आपने अपने बच्चे की तस्वीर उसमें रखी तो 100 बार मोबाइल किया, 100 बार आपने अपने बच्चे को एनर्जी दी है, रेकी दी है, ऊर्जा दी है। माँ की रखी तो माँ का 100 बार आशीर्वाद पाया है, गुरु की रखी तो गुरु से 100 बार आशीर्वाद पाया है, भगवान की रखी तो 100 बार दर्शन करने का पुण्य कमाया है। इसलिए मोबाइलों के अंदर कोई अभिनय नहीं होता। आप उस मोबाइल को कहीं भी ले जाए, महाराज जी यहाँ ले जाते, वो ले जाते, कोई फिक्र मत करो, वो छाया है। लेकिन छाया भी हमें मूल तक पहुंचाने के लिए कारण है। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तू कितना, तो तेरी वो छाया से ही, छाया से हमें मूल का ज्ञान होता है। इसलिए छाया में अभिनय का विचार नहीं करना, लेकिन रखना चाहिए सबके लिए। इस बार का बहुत अच्छा प्रश्न है, फोकट में बिल्कुल इजी रूप में। आप ये मत सोचेंगे नमोकार मंत्र हमें बीच में काटना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, साहब नमोकार मंत्र पूरे ही चलना चाहिए। नहीं, नमो अरिहंताणम हो गया कोई बात नहीं, नमो सिद्धाणम हो गया कोई बात नहीं, चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये बहाना करके और कोई अभिनय से डरा करके कोई डरावे तो डरने की जरूरत नहीं। नमोकार मंत्र का आधा अक्षर, एक अक्षर, पाव अक्षर ओम भी निकल गया है तो भी बेड़ा पार ही करने वाला है। इसलिए इससे डरने की कोई जरूरत, बार बार आप फोटो को डिलीट करोगे मतलब बंद करोगे तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो छाया चित्र है, एक संकेत है।